जय हिंद। बायो में इससे पहले हम आपको फल तक बता दिए थे, फल के अंदर जो होता है वो बीज होता है। आज हम आपको इस क्लास में बीज और अंकुरण के बारे में समझा देंगे। देखिए, जो फल होता है इसका जो निर्माण होता है वो बीजांड यानी ओव्यूल में होता है, ओभरी के अंदर, ओव्यूल यानी अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है उसमें बीज का निर्माण होता है। बीज को जो सुरक्षा देने का काम करता है बता दिए थे, वो फल करता है, फल ही बीज को सुरक्षा देता है। गोदाम में जहाँ बीज रखा जाता है, जहाँ जैसे FCI वगैरह का गोदाम होता है, तो वहाँ जब बीज रखा जाता है तो कीटों से बीज की सुरक्षा करने के लिए गामा किरण का प्रयोग किया जाता है, गामा रेस का वहां पर प्रयोग होगा। बीज का कार्य क्या होता है, वो नई पीढ़ी के लिए, नई प्रजनन के लिए वो नए नस्ल को तैयार करता है। बीज, किसी भी बीज का दो भाग होता है, एक अंदर का भाग होता है और एक बाहर का भाग होता है। तो बीज के दो भाग होते हैं, पूछे का बाहरी भाग क्या होता है तो उसे हम टेस्टा कहते हैं, और आंतरिक भाग क्या होता है उसे टिग्मा कहते हैं। तो टेस्टा और टिग्मा में अंतर आप आराम से आप चना में समझ सकते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, ये चना दिख रहा है, इसका जो बाहरी खोल है वो बाहरी भाग है वो तो क्या है, टेस्टा है, और अंदर का जो दाल है वो क्या है, टिग्मा होता है। अगर आप इस दाल अगर फोड़ के अंदर से दाल निकाल देते हैं तो दाल क्या है, टिग्मा है, और ऊपर का जो छिलका है वो क्या हो जाता है, टेस्टा हो जाता है। अगर हम इसको टेस्टा और टिग्मा दोनों एक साथ पीस दें तो वो हो जाता है सतुआ, और अगर इसका बाहरी खोल यानी टिग्मा बाहर निकाल दें और केवल अंदर का दाल पीस दें तो वो हो जाता है बेसन। बेसन को कच्चा पीसा जाता है और सतुआ को भून के पीसा जाता है, लेकिन बेसन में याद रखिएगा बाहरी टेस्टा वाला भाग नहीं होता है। आप देखेंगे अनार में भी, तो अनार का जो बिया होता है तो वो जो लाल लाल वाला भाग है वो क्या है, टेस्टा है। उस लाल के अंदर हल्का हल्का वाइट रहता है जो टाइट टाइट रहता है। आप अनार का जूस निकलिएगा तो जो बाहर गिर जाता है अनार के बिया में से वो क्या होता है, अंदर का भाग होता है टिग्मा। तो अनार का हम टिग्मा नहीं खाते हैं, बाहर का टेस्टा खाते हैं, समझ आया। आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, हम लोग टिग्मा कहते हैं। किसी भी बीज में एक छोटा सा छेद होता है जिस छेद को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। आप चना में भी देखे होंगे, यहाँ पर देखिए आप माइक्रोपाइल दिखेगा, ये एक चना है, इस चना में यहाँ पे एक छेद होगा। चना का जो छेद होता है ना एकदम जहाँ पे उसका नोक निकला रहता है उसके जस्ट नीचे एक छेद होता है, उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। जिसमें माइक्रोपाइल बड़ा रहेगा वो पानी में जल्दी फूलेगा, इसलिए चना जल्दी फूल जाता है। जबकि मटर में देखिएगा तो माइक्रोपाइल बहुत छोटा होता है, मटर जल्दी फूलता नहीं है। तो बीज के अंदर जो पानी जाते हैं, नमी जाता है, वो किसके द्वारा जाता है, माइक्रोपाइल के माध्यम से पहुँच जाता है नमी। बीज को जब हम खेत में डालते हैं तो क्वेश्चन कहेगा बीज बोते समय सबसे ज़्यादा जरूरत किसकी होती है, तो फास्फोरस की होती है। लेकिन याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि खेत में अनाज को किसकी ज़रूरत होती है, तो बीज जब बड़ा हो जाता है तब उसको नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन बीज बोते समय वहाँ फास्फोरस की ज़रूरत ज़्यादा होती है। और गोदाम में रक्षा इसकी कैसे करते हैं, हम लोग गामा किरण के माध्यम से। अब हम लोग बीजों का अंकुरण समझते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन क्या होता है, जो बीज निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जब सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं और उनमें प्राउट्स निकलने लगता है अंकुर, तो इस पूरी क्रिया को हम क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। ये वाइट वाइट जो निकल जाता है ना इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंकुरण के नाम से जानते हैं। अब इस अंकुरण के लिए चार चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहले आप इसको प्रैक्टिकली देखिए, अगर आपको चने का स्प्राउट यानी अंकुर निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, रात भर चने को पानी में भिगा देते हैं, उसे नमी नहीं देते हैं। नमी का मतलब होता है पानी छिड़क देना, और जल का मतलब होता है भिगा के रखना। तो पहले तो आप उसको क्या करते हैं, रात भर आप उसको पानी में डाल देते हैं, तो जल की जरूरत है, और उसके बाद निकाल के पानी सुखाते नहीं है, उसके अंदर नमी को बरकरार रखते हैं। नमी को हम हिंदी में आर्द्रता कहते हैं, उर्दू में नमी कहते हैं। तो सबसे पहले उसको जल की जरूरत है, पूरा रात भर भिगाइए, उसके बाद निकाल के उसको भीगे कपड़ा में रखिए ताकि उसमें नमी बरकरार रहे। उसके बाद उसको हवा लगना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसको डिब्बा में पैक कर दीजिएगा, हवा नहीं लगेगा तो अंकुरण नहीं होगा, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उसके बाद उसको तापमान चाहिए, यह नहीं कि एकदम कम कर दे, फ्रीज में डाल दे तो भी अंकुरण नहीं होगा, और धूप में रख देंगे तो नमी उड़ा देगा तो भी अंकुरण नहीं होगा। तो तापमान भी चाहिए, ये चार चीजें एकदम हर हाल में चाहिए अंकुरण के लिए। हार्मोन चैप्टर में बता देंगे कि अंकुरण के लिए जिब्रेलिन हार्मोन चाहिए, वही जिब्रेलिन जैसे जर्मिनेशन का काम करता है यानी अंकुरण का काम करता है। तो ये चार चीजों की जरूरत है। इस एग्जाम में जब पूछेगा किसकी जरूरत नहीं है तो आप अपने को प्रैक्टिकली याद रखिएगा कि चना में स्प्राउट निकालते हैं पहले पानी में रात भर डालते हैं तो जल, फिर कपड़ा भिगा के रखते हैं यानी नमी, उसके बाद उसे हवा लगने देते हैं यानी वायु, और उसको टेम्परेचर बरकरार रखते हैं एवरेज, ना ज्यादा गर्म ना ठंडा। तो तापमान, ये चार चीजों की जरूरत होती है। गोदाम में जब हम बीज रखते हैं तो उसमें भी नमी रहना चाहिए, एकदम सूख जाएगा तो बीज खराब हो जाएगा। सुनते होंगे मरा हुआ बीज है, नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो तापमान नमी थी आर्द्रता वो खत्म हो गई। और अगर गोदाम में नमी ज्यादा दे दीजिएगा, ससुरा गोदामे में स्प्राउट निकल जाएगा,
उसी में पेड़ निकलने लगे। तो इस नमी को क्या करना है, तो इसके लिए गोदाम में जो अनाज को रखा जाता है उसके ऊपर पेस्ट लगा दिया जाता है, पेस्ट परत चढ़ा दिया जाता है। वो पेस्ट क्या करता है, अंदर की नमी को बाहर नहीं आने देता है ताकि बीज सूख के न मरे, और बाहर की नमी को अंदर नहीं जाने देता है ताकि बीज अंकुरित ना हो जाए, इसलिए पैक हो जाता है। अब आप कहिएगा कि पेस्ट किस चीज़ का लगाना चाहिए, तो आप बताइए वो बीज खेत में लेकर जाइएगा तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है, फास्फोरस की। तो दिमाग लगाया जाता है कि उस पेस्ट में फास्फोरस की मात्रा बढ़ा दी जाती है ताकि एक तीर से दो निशान हो जाएगा, बीज भी सुरक्षित हो जाएगी, और जब इसे बोएंगे तो सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है फास्फोरस वो ऑलरेडी इसके पास अवेलेबल है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अंकुरण के लिए किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो अंकुरण के लिए ज़रूरत किस चीज़ की नहीं है, तो सबसे पहला उसके लिए किसी भी प्रकार की मृदा यानी मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी की उसकी ज़रूरत नहीं है। वो आपके कपड़े में भी अंकुरित कर सकते हैं, कटोरा लोटा थाली किसी चीज़ में कर सकते हैं, तो मिट्टी यानी मृदा की ज़रूरत नहीं है। उसे किसी भी प्रकार के पोषक तत्व जैसे मतलब यूरिया पोटास फास्फोरस सब की ज़रूरत नहीं है अंकुरण के लिए, स्पेशली बीज बोने के लिए है लेकिन उसमें स्प्राउट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन या फिर किसी भी प्रकार का खाद मिनरल की जरूरत उसे नहीं है। जो अंकुरित चीज होता है वो व्हाइट कलर का होता है यानी उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। जब क्लोरोफिल नहीं है तो सूर्य के प्रकाश दीजिएगा तो भी ठीक है, नहीं दीजिएगा तो भी ठीक है, यानी इस सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि अंकुरण के लिए किसकी जरूरत है और किसकी जरूरत नहीं है, तो आप बता सकते हैं कि इन चार चीजों की जरूरत है और इस चार तीन चीज की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही एक हार्मोन जिसकी जरूरत होती है जिब्रेलिन, उसकी भी जरूरत होती है। तो हार्मोन में समझा देंगे कि हार्मोन दो टाइप के होंगे, पेड़ पौधों के हार्मोन, पांच ऐसे हार्मोन हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि में मदद करते हैं और दो ऐसे भी हार्मोन हैं जो वृद्धि में मदद नहीं करते बल्कि वृद्धि को रोक देते हैं। और ये भी समझेंगे कि फल को पकाने में एथिलीन की जरूरत है कि एसिटिलीन की जरूरत है, कृत्रिम फल को कैसे पकाया जाता है और कार्बाइड से कैसे फल को पकाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम हार्मोन के बारे में आपको बताएंगे, पादप हार्मोन जिसे हम फोटो हार्मोन कहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।